हाय हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि आप 2 मिनट के अंदर अपना सिम कार्ड को बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग को जानकारी के अभाव में अपना सिम कार्ड या खो जाते हैं, या आपके सिम कार्ड आप किसी फ्रेंड को या फिर GF हो या फिर आप अपने BF कोई भी हो, आप अपना सिम कार्ड दिए हुए हैं यूज़ करने के लिए, या तो वो सिम कार्ड आपको लौटा नहीं रहा, या आपका सिम कार्ड कहीं खो गया है, या आपके पास ज़्यादा सिम कार्ड है बंद करना चाहते हैं, तो 2 मिनट के अंदर आप सिम कार्ड को बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये इजी जानकारी है, लेकिन बहुत सारे लोग को ये छोटा छोटा जानकारी भी नहीं रहता है। तो सिम कार्ड यूजर्स को ये जानकारी रखना बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कब ज़रूरी पड़ जाए सिम कार्ड बंद करवाने की, आप ये टिप्स जान लीजिएगा तो 2 मिनट के अंदर अपना सिम कार्ड को फ्री में बंद कर सकते हैं। दोस्तों डिटेल्स जानने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सिम कार्ड से रिलेटेड अपडेट पाते रहिए। और साथ ही दोस्तों अभी आप किस कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और ऑनलाइन अर्निंग फ्री रिचार्ज के लिए 2 जबरदस्त एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फालतू का कोई भी ऐप मत यूज़ कीजिए, यहाँ पर आपको रेफर बोनस के रूप में दोस्तों 100 से 150 रुपये मिल जाएगा। एक है गूगल पे, एक है फोन पे। यदि ये दोनों पहले से है तो आप पेटीएम में भी रेफर का ऑप्शन आ गया है, पेटीएम से भी रेफर करके फ्रेंड को 100 रुपए अर्न कर सकते हैं। तीनों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जो एप्लीकेशन नहीं यूज कर रहे हैं उसे जरूर से इंस्टॉल करके रेफर बोनस पाइए। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि आप सिम कार्ड कैसे बंद कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जिसके भी नाम पे आप सिम कार्ड इशू किए हैं, खुद के नाम पे या अपने फैमिली के नाम पे, तो वो आप जो है जिसके नाम पे इशू है वो पहले पता आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद के नाम पे आपका सिम है तो दोस्तों आप हैं ही ऑलरेडी, तो आपको जो है कॉल करना पड़ेगा 199 या 198 टोल फ्री नंबर, जो कि एयरटेल का, वोडा का, आइडिया का और जियो का, BSNL का, तमाम सिम कार्ड का ये टोल फ्री नंबर होता है। 199 पे आपको कॉल करना है और कस्टमर केयर को बताना है रीजन, किस रीजन से आप अपना सिम कार्ड को बंद कर रहे हैं। दोस्तों आपको बोलना है सिम कार्ड मुझे बंद करवाना है, सिम कार्ड खो गया है, या जो भी वैलिड रीजन है आप बता सकते हैं। वहाँ पे आपसे डिटेल्स पूछा जाएगा सिम कार्ड के पीछे का डिजिट। तो यदि आप लोग के पास सिम कार्ड खो गया है तो आपको तो ऑलरेडी डिजिट पहले से पता होगा नहीं, तो आपको बोलना है कि डिजिट मुझे नहीं पता है और ना ही मैं सिम कार्ड का रेफर रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको बोलेगा अपना डिटेल्स देने के लिए, आपका नाम क्या है और किसके नाम पे सिम कार्ड है। तो आपको जिसके भी नाम पे सिम कार्ड है, आप अपने नाम पे बंद करवाना चाहते हैं, तो सिम कार्ड का आपको अपना एड्रेस पता, आपका अपना नाम, घर का पता, जहाँ भी है वो आप दे देंगे। उसके बाद आपको दोस्तों आधार कार्ड का या कोई भी डॉक्यूमेंट का डिजिट पूछा जाएगा। तो आधार कार्ड का जैसे पूछेगा आपको पीछे का 4 डिजिट, ठीक है, आधार कार्ड का जो 12 लेटर होता है उसके पीछे का 4 डिजिट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिनट, उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप लास्ट रिचार्ज कितना का किए हैं, तो आपको वो बता देना है, जो भी आप लास्ट रिचार्ज किए हैं वो बता देना है कितना का आपने रिचार्ज करवाया है, बस आपका सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और 20 दिन तक दोस्तों आप जो है आपका सिम कार्ड 20 दिन के अंदर आप जो है रिन्यू करवा सकते हैं डिजिटल स्टोर पर जाकर, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का जो भी स्टोर है जहाँ सिम मिलता है वहाँ पर आप जो है सेम सिम कार्ड को परचेज कर सकते हैं खुद के नाम पर। जिसके भी पास आप बंद करवाना चाहते हैं सिम, बंद हो जाएगा, 20 दिन के अंदर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो वाईदीपे परमानेंटली सिम बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा प्लीज से कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना। बाय बाय दोस्तों।